गुल्लक के पैसे से बच्चे ने जरूरतमंद लोगों को अनाज खरीदकर बांटे। कोरोना की मार झेल रहे गरीब लोग व उनकी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस कर्मियों के लिए खाना देने की सोचकर रतन विहार वाड़ी के एक बच्चे ने अपनी गुल्लक फोड़ी। वाड़ी पुलिस स्टेशन में 5,000 का चेक लेकर वाड़ी के PI राजेंद्र पाठक के पास पीयूष नंदलाल गौर और उसके बड़े बहन कशिश नंदलाल गौर वाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन पाठक ने चेक लेने से मना किया। फिर पाठक के समक्ष दोनों बच्चों ने अन्न धान्य बांटने का निर्णय लिया। करीब 5,000 रुपए गुल्लक से निकाले व चावल खरीद लिया। पुलिस स्टेशन में जरूरतमंद लोग अनाज के लिए आते हैं, उन लोगों को दोनों बच्चों ने 3-3 किलो के पैकिंग कर लोगों को बांटा। करीब 200 किलो चावल लोगों में बांटे गए। पुलिस की मदद से युवराज फाउंडेशन को 1,000 की राशि नगद दी गई। विशेष बात यह है कि दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक के खाऊ के पैसे इस आपदा के समय दिए जाने से बच्चों की सराहना हो रही है। पीयूष कक्षा 7वीं में पढ़ता है तो कशिश 9वीं में पढ़ती है। इतनी छोटी उम्र में गरीबों को मदद करने की भावना बच्चों में होने से मदद लेने वाले लोगों ने दोनों के आभार माने हैं। इस बच्चों का आदर्श बाकी बच्चों ने लिया तो देश महान होने में देरी नहीं लगेगी। सभी ने लॉकडाउन तक अपने घरों में रहने का आह्वान भी पीयूष और कशिश ने किया है। मेरा नाम पीयूष है। मैं गरीब लोगों की सेवा करने के लिए मैंने खुद के पैसे 5,000 जमा किए थे और मैंने गरीबों के लिए चावल खरीदे थे। मैंने पुलिस अंकल के लिए लाए थे पैसे कि उनके लिए मास्क वगैरह, लेकिन उन्होंने ना बोल के उन्होंने गरीबों के लिए लाने के लिए बोला अनाज। बड़े आनंद की और सवाल पैदा करने वाली बात है कि हमारे यहाँ पे एक लड़का अपने पिताजी को लेकर एक चेक लेकर आया 5,000 रुपये का और वो पुलिस अंकल के लिए मास्क या सैनिटाइज़र या फिर और चीज़ें उस पैसे से लेके पुलिस ने खरीदी करके वो अपने लिए बांटे। इस उद्देश्य से पीयूष नंदलाल गोरे 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छोटा लड़का रहने को खड़गा रोड वाड़ी में है, चेक लेके आया मेरे पास और मुझे बताया कि साहब मुझे ये चेक पुलिस अंकल को इस ये चीज़ों के लिए डोनेट करना है या देना है। तो हमको आनंद भी हुआ और थोड़ा दिल को ये भी लगा, क्या कहते हैं उसे, अंदरूनी तकलीफ हुई कि इतने छोटा लड़का इस चीज़ को समझ रहा है या फिर वातावरण या हालात इसको समझ रहा है। और उस लड़के ने हमको देना चाहा वो चेक, लेकिन हमने वो चेक नहीं लिया। हमने उसे कहा कि ये चेक हमको देने के बजाय आप इस पैसे से कोई भी चीज़ें खरीद के लाओ, और जो आज की तारीख में काम धंधा ना होने की वजह से या फिर गरीबी की वजह से और इस हालात की वजह से भूखे हैं लोग, उन लोगों में वो चीज़ें आप बांटो, भले आप इधर लेके आओ पोजिशन में और यहाँ पे हम आपकी तरफ से वहाँ बांटेंगे। तो वो लड़के के पिताजी ने उसको हाँ कही और आज आपने देखा उस बच्चे ने अपने हाथ से जो 5,000 रुपये खुद के जमा किए पैसे से चावल खरीदे और वो चावल के छोटे छोटे ये बना के पब्लिक में बांटे हैं। इससे सीख मिलती है कि आज एक छोटा बच्चा भी इस सोच पे है कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो हर कोई इंसान जिसकी चाहत है या दानत है उसने इस तरह से आज की तारीख में जनता को मदद करनी चाहिए। जिनकी ज़रूरत है उनको तो 100% मदद करनी चाहिए, ऐसे में आह्वान और विनती करता हूँ। थैंक यू। इन BCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पालसी की रिपोर्ट।